हैप्पी न्यू ईयर। तारीख थी 1 जनवरी, 12 बज गए थे, न्यू ईयर शुरू हो गया था, आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। गट्टू चिक्की की सोसाइटी नए साल का स्वागत धूमधाम से कर रही थी। इधर गैलरी में खड़े गट्टू चिंकी के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। मम्मी पापा आए और दोनों को मायूस खड़ा देखकर बोले, मैं तो पटाखे ला रहा था, तुम दोनों ने ही मना कर दिया। पटाखे उड़ाना अच्छी बात नहीं है पापा। अच्छी बात नहीं है तो यहाँ ऐसे मायूस क्यों खड़े हो दोनों, बोलो। हम कुछ सोच रहे हैं मम्मी। क्या सोच रहे हो बेटा? हम सोच रहे हैं, हमने ग्रीटिंग्स बनाए, सबको भेज दिए, नए साल के नए संकल्प भी लिए, वो पूरे करने की कसम भी खाई, लेकिन अभी भी कुछ है जो हम कर सकते हैं। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे साथ साथ पूरी सोसाइटी का फायदा हो? तभी एक पटाखे का कवर आसमान से गिरता हुआ आया और गैलरी में गिर पड़ा। पटाखे का कवर देखकर गट्टू चिंकी ने एकदम एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों मुस्कुराने लगे। पता चल गया हमें क्या करना है, चलो भैया। चलो चिंकी। ऐसा कहकर दोनों गैलरी से भाग गए। मम्मी पापा कुछ समझ ही नहीं पाए। अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? बच्चे कब क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं। देखते अब ये क्या करते हैं। नई साल की नई सुबह हो गई। गट्टू चिंकी तैयार होकर स्कूल पहुंच गए। मिश्रा सर क्लास में आए तो सारे बच्चे खड़े होकर उन्हें नए साल की बधाई देने लगे। हैप्पी न्यू ईयर सर। सेम टू यू, सेम टू यू। बैठ जाओ साहब। बच्चों कैसे किया आपने अपने नए साल को वेलकम? आप सब एक एक करके मुझे बताना कि आपने क्या क्या किया और कौन कौन से संकल्प लिए। बंटी बताओ। बंटी खड़ा हो गया और बोलने लगा, सर कल मैंने खूब मजे किए, शॉपिंग की, बहुत कुछ खाया पिया और संकल्प लिया कि मैं रोज रात 2 बजे तक पढ़ाई करूँगा और जल्दी सो जाऊंगा और सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। बंटी की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। अरे हंस क्यों रहे हो, बैठ जाओ बंटी। गुड्डी तू बता, तूने क्या संकल्प लिया? सर मैंने इस साल 100 किताबें पढ़ने का संकल्प लिया है। इस प्रकार एक एक बच्चा उठकर अपना अपना संकल्प बताने लगा। गट्टू चिंकी की बारी आई तो मिश्रा सर बोले, गट्टू चिंकी तुम दोनों खड़े हो जाओ, तुम दोनों से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, बोलो क्या किया नए साल के मौके पर? गट्टू चिंकी खड़े हो गए। सर ना तो कल हमने पटाखे उड़ाए और ना हमने शॉपिंग की, ना ही कल हमने पार्टी की और ना ही मस्ती की। तभी राजू बीच में बोल पड़ा, सर ना तो इन्होंने कल खाना खाया, ना ही कल इन्होंने स्नान किया। राजू की बात सुनकर फिर से सारी क्लास हंसने लगी। राजू बोलो गट्टू चिंकी, क्या कह रहे थे तुम दोनों? सर संकल्प तो हम सब हर साल लेते हैं, कुछ पूरे करते हैं, कुछ भूल जाते हैं। हमने भी संकल्प लिए, एक नहीं बहुत सारे संकल्प लिए, लेकिन कल हमने एक और विशेष काम किया जो हम आप सभी को बताना चाहते हैं। अरे हाँ हाँ बताओ बताओ। कल रात हमारी सोसाइटी पटाखे उड़ाने और पार्टी करने में लगी थी, तब हम नीचे आए और हमने झाड़ू से सारा कचरा इकट्ठा किया। हमें काम करता देखकर सोसाइटी कैंपस में खड़े सारे सदस्य भी हाथ में झाड़ू लेकर हमारी मदद के लिए आए। हम सब ने मिलकर सारा कचरा इकट्ठा किया और कूड़ेदान में डाल दिया। सर इस प्रकार हमने नए साल के मौके पर सोसाइटी में बिखरा पड़ा सारा कचरा साफ किया और सारे सदस्यों के साथ मिलकर सोसाइटी को हमेशा साफ रखने का संकल्प लिया। वाह गट्टू चिंकी वाह, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। क्यों भाई राजू, तुमने तुम्हारी सोसाइटी का कचरा साफ किया या फिर कचरा फैलाया? मिश्रा सर की बात सुनकर राजू ने शर्म से अपना सर नीचे झुका लिया। देखा बच्चों, इसे कहते हैं नए साल का सही मायने में स्वागत, पटाखे उड़ाकर, पार्टी मनाकर। हम नए साल का स्वागत तो धूमधाम से करते हैं, पर पर्यावरण और हमारे समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी होती है वो हम भूल जाते हैं।
और गट्टू चिंकी ने वह जिम्मेदारी निभाकर हमारे सामने एक आदर्श स्थापित किया है। गट्टू चिंकी के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। बस फिर क्या था, सारी क्लास खड़े होकर गट्टू चिंकी के लिए तालियां बजाने लगी और इस प्रकार गट्टू चिंकी के नए साल का पहला दिन सफल हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।